को डेवलप करने में मदद कर सके, नहीं तो वो रिसोर्सेज से गलत यूज हो जाएगा और उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए पीपल जरूर यहां पर एक पॉइंट होना चाहिए कि पीपल जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम अगर इसकी बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे एक नया वर्ड जोड़ना चाहिए, पीपल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अगर चैप्टर का नाम ऐसे हो ना तो मजा आ जाएगा कि पीपल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, लोग संसाधन और विकास, ये बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रही है बात? तो रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, आगे जाकर क्या पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये बातें नहीं लिखी गई हैं, बिल्कुल लिखी गई हैं, आप आगे पढ़ेंगे इस चीज को। तो रिसोर्सेज को हमको यूज आना चाहिए, है ना? देखो, अब रिसोर्सेज तो ठीक है कि जो हमारी जरूरतों को पूरा करे उसको हम संसाधन कहते हैं। आज हम ब्रीफिंग ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप ये बोल करके हम छोड़ देंगे, हम आपको पॉइंट वाइज लिखवाएंगे भी और आप इसको एनसीईआरटी भी फॉलोअप करेंगे, लेकिन आज इंट्रोडक्शन पार्ट है तो सिर्फ सुनिए आप। ठीक, अब इसमें क्या है कि मान लो कि रिसोर्सेज जो है, आप यहाँ ये झारखंड है, और झारखंड ये कौन सा एरिया है? रामगढ़ का कुजू एरिया है, और इसके अंदर में कोल है ना, जमीन के अंदर में कोल है, तो एक रिसोर्सेज है। ठीक है, जिससे हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, है ना, कोल है, भारी मात्रा में कोल है भी, तो वो एक रिसोर्सेज है। अब दो तीन बातें आएंगी, एक कि उस रिसोर्सेज को हमको बाहर निकालना है, अपने आप तो बाहर नहीं निकलेगा, रिसोर्सेज को अपने आप तो बाहर नहीं निकलेगा ना, हमको उसको बाहर निकालना है। दूसरी बात, उसको यूज करना है, करना है ना। अब देखो दो तीन प्रॉब्लम आएगी यहां पे। एक नंबर पे प्रॉब्लम डेवलपमेंट में तो बाद में होगी, पहले तो रिसोर्सेज हमको बाहर निकालना होगा। अगर रिसोर्सेज जहां है वहीं पे छोड़ दें तो डेवलपमेंट कैसे होगी? नहीं होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, और हम लोग इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट भी देखेंगे दोनों। तो रिसोर्सेज जो है, अब इसको ऐसे समझते, इसको मिटाते हैं बेटा, मिटा देना, मिटा देते हैं, लिखने का चिंता नहीं है, अभी तो चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ हम आपको समझा रहे, कहानियां सुना रहे, कहानियां सुनिए सिर्फ। चलो, अब रिसोर्सेज कहीं पर दबे हुए हैं, मान लो कि ये जमीन है, ठीक, और यहां पर रिसोर्सेज दबे पड़े हैं, ठीक है, तो यहां पर रिसोर्सेज दबे पड़े हैं। अब रिसोर्सेज को बाहर निकालना होगा, सबसे पहली प्रॉब्लम। अब रिसोर्सेज को अंदर खोद करके, हाथ से खोद करके तो बाहर नहीं निकालेंगे ना, नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहला चीज हमको चाहिए टेक्नोलॉजी। क्या चाहिए बेटा? टेक्नोलॉजी, जो हमको साइंस मदद करेगा। इसमें कौन मदद करेगा? साइंस मदद करेगा। तो हमको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले देखना होगा कि उस रिसोर्सेज को बाहर निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं, ये पहला चैलेंज आएगा। रिसोर्सेज को बाहर निकालने के लिए हमारा पहला चैलेंज आएगा, समझ में आ रही है? दूसरी बात कि उसको बाहर निकालने में टेक्नोलॉजी तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कितना खर्चा हो रहा है इकोनॉमिकली भी तो देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना। अब मान लो कि हम उसको बाहर निकालें, बाहर निकालने में खर्चा इतना हो गया कि उससे हमको जितना यूज करना है, प्रोडक्शन करना है, वो हो ही नहीं रहा है। मान लो ऐसे कि किसी रिसोर्सेज को बाहर निकालने में हमको खर्चा हुआ 20,000 रुपया, ठीक, और उस रिसोर्सेज का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हमको फायदा मिल रहा है 5,000 रुपया। अब बता, लॉजिकली ठीक है ये? हमको तो प्रॉफिट चाहिए ना, ऊपर से डेवलपमेंट भी चाहिए। डेवलपमेंट कब होगा? जब हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो हमको रिसोर्सेज को बाहर निकालने में ही 20,000 का खर्चा हो रहा है, और जब हम उस रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है? 5,000। उससे बढ़िया तो अंदर ही रहा, या फिर कम खर्चा में निकल जाए बाहर। तो हमको टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या इकोनॉमिकली भी देखना पड़ेगा हमको, हाँ कि ना। तीसरी बात, कल्चरल। अब कल्चरल क्या? कल्चरल क्या? मान लीजिए कि एक मंदिर है और पता चला मंदिर के जमीन के नीचे कोल है,
अब उसको कैसे निकाले भाई, मंदिर को हटाना पड़ेगा, मंदिर को संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो डिपेंड करता है कहीं कहीं कल्चरल पर भी, समझ में आ रही है बात। डिपेंड क्या करता है, कहीं कहीं कल्चरल पर भी। तो ये चीजें हम लोग समझेंगे, अभी ऐसा नहीं कि अभी बातें खत्म हो गई हैं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, बस हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो जब ये सारी चीजें होंगी, रिसोर्सेज बाहर निकलेगा, उसका हम लोग यूज करेंगे, और उसके बाद वहां से डेवलपमेंट शुरू होगी, है कि नहीं। तो ये जो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये बड़ा शानदार चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, और हम लोग इसको एकदम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को डील करेंगे। अच्छा एक बात बता, पहले आप लोग एक बात बताओ उनको, हम क्या करें, पूरा पॉइंट वाइज लिखवा दें। एक ऑप्शन ये है, ध्यान से सुनना, एक है कि हम पूरा पॉइंट वाइज लिखवाएं, एक एक चीज लिखवा दें। दूसरी ऑप्शन है मेरे पास कि हम सिर्फ समझा दें और की पॉइंट को लिख दें, की पॉइंट मतलब डायग्राम बना दें, जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम लिख दें, है ना, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, नाम हैं, प्लेसेस हैं, उसको हम सिर्फ बोर्ड पे लिख दें और उससे आप नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन चाहिए जल्दी बोलो, पक्का सेकेंड वाला चाहिए, आप कर लेंगे। हम सिर्फ समझा देंगे तो, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हम लिख देंगे, प्लेसेस नाम वगैरह लिख देंगे, तो आप उसको अरेंज करके सर नोट्स बना लेंगे। श्योर हैं, पक्का? हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे दो फायदे होंगे आपको, एक कि आप किताब फॉलोअप करेंगे, है ना, इससे आपको बुक्स भी फॉलोअप हो जाएंगे, क्योंकि नोट्स बनाते समय आपको बुक की किताब की मदद लेनी होगी, तो एक तो आप किताब पढ़ लेंगे पूरा, है ना, इस बहाने से एनसीईआरटी पढ़ना भी चाहिए। दूसरी बात, आपका राइटिंग स्किल ठीक हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, हाँ, और उसको कैसे कनेक्ट करें, किस पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट लिखें, ये भी चीज़ें होंगी और ये बहुत ज़रूरी है। तो दो तीन चीज़ें होंगी इसमें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो ऐसे ही करेंगे ना हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट लिखने में थोड़ा सा समय भी लगता है और उतार लेना वो ठीक भी नहीं है, तो बढ़िया है, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग कल क्या है, कल ज्योग्राफी है, ठीक। तो कल हम लोग मैथ्स शुरू करेंगे, मैथ्स शुरू करेंगे कहाँ से बेटा, क्वेश्चन जो दिए थे वो बनाए, कितने लोग बनाए, वाह बहुत बढ़िया, तीनों, तीनों, कौन तीसरा नंबर, कौन कौन बनाया बेटा, गजब बहुत बढ़िया, आप नहीं बनाए, तीसरा नंबर नहीं बनाया कि कोई नहीं बना, तीसरा नंबर नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कल उस पर भी आंसर